आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जमीन का नक्शा अपने घर पर ऑनलाइन कैसे मंगवाया जाता है या उसको कैसे देखा जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में एक क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, उसमें आप यहां टाइप करेंगे लैंड रिकॉर्ड, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहां बिहार भूमि डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन ऑफिशियल साइट है, इसके ऊपर यहां क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां से नीचे आएंगे, यहां आकर के भू मानचित्र पर क्लिक करेंगे। यहां से हम पब्लिक लॉगिन चूज़ करेंगे। और आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आपको एक अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए यहां आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन इसको चूज़ करेंगे। उसके बाद यहां अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहां फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहां फर्स्ट नेम पूछ रहा है, यहां लास्ट नेम फिल करेंगे, यहां अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका यहां रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहां ओके कर देंगे आप, आपके मोबाइल नंबर पर यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। उसके बाद यहां पर आप फिर मोबाइल नंबर फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP यहां फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपका सक्सेस बता रहा है, फर्स्ट टाइम लॉगिन अटेम्प्ट, प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड, यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से अपना पासवर्ड को चेंज करेंगे। हमने पासवर्ड को चूज़ कर लिया है, पासवर्ड चूज करने के बाद यहाँ सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली मेरा हो गया है। हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद आपको फिर वही मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना होगा, मोबाइल नंबर फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP फिर से सेंड किया जाएगा, वो OTP यहाँ फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप में पूछ रहा है क्या लेना चाहते हैं आप, हम यहाँ से मैप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट एरिया टाइप में चूज़ कर लेंगे, आप रूरल है तो रूरल, अर्बन है तो अर्बन चूज़ करेंगे। हम गाँव से हैं तो रूरल चूज़ करेंगे। यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, यहाँ से अपना थाना चूज़ करेंगे, यहाँ से अपने मोजा का नाम चूज़ करेंगे। उसके बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, देखिए आपका यहाँ पे व्यू सीट्स अवेलेबल है, 3 पेज में ये है तो आप किसी को भी देख सकते हैं। देखने के लिए यहाँ व्यू सीट पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे खुलेगा, ये PDF में ओपन होगा, यहीं से आप इसको देख सकते हैं। देखिए इस तरह से आपका यहाँ पे जनरेट होकर के रहेगा, आप बगल में पूरा एड्रेस रहेगा मोजा का, जिला का, उसके बाद आपका ये मैप रहेगा, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप दूसरा सीट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू सीट्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपका यहाँ पर भी ओपन होगा, यहाँ से भी आप अपना काम निकाल सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ओपन होगा, आपका बगल में आपका गाँव का नाम रहेगा या आपका मोजा का नाम रहेगा, जो भी आप देख लेंगे बढ़िया से। उसके बाद इसको डाउनलोड करने के लिए आप नीचे आएंगे, यहाँ से सीट चूज कर लेंगे कौन सा सीट आपको डाउनलोड करना है। मुझे ये फर्स्ट सीट डाउनलोड करना है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ आपका पूरा डिटेल्स खुल करके आ जाएगा। यहाँ नंबर ऑफ पेजेस यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ सीट नंबर 1 आ जाएगा, यहाँ टोटल अमाउंट आपको 10 रुपया लगेगा, एक सीट का आपको 10 रुपया लगेगा, ऑनलाइन पे करना होगा। उसके बाद यहाँ सेंड एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ से ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगा, यहाँ टोकन नंबर आ जाएगा, यहाँ ऑर्डर आईडी आ जाएगा, यहाँ अमाउंट आ जाएगा, यहाँ एप्लीकेंट का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको पेमेंट पेज में ला करके छोड़ेगा, आप यहाँ पे विथ पे चूज़ करेंगे आप कौन चीज़ से कटाना चाहते हैं वो यहाँ चूज़ कर लेंगे। हम नेट बैंकिंग करेंगे तो नेट बैंकिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका बैंक है। उसके बाद यहाँ कन्फर्म पेमेंट के ऊपर पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपको एक ट्रांजेक्शन नंबर मिल जाएगा, उसको आप नोट करके रख लेंगे, एक रिसिप्ट भी मिल जाएगा, उसको भी आप नोट करके रख लेंगे। कभी भी आपको स्टेटस ट्रैक करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसी साइड प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ट्रैक एप्लीकेशन इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना आप यहाँ पे भी आपका शो होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं अपना एप्लीकेशन को, यहीं से ट्रैक कर सकते हैं। सो, इस तरह से आप जमीन का नक्शा अपने घर पर मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।